बहुत सारे सो कॉल्ड यूट्यूब पर बैठे फिल्म के क्रिटिक्स और रिव्यूअर्स वॉन्ट वॉच एंड रिव्यू इट, क्योंकि यार ये कोई ऐसी फिल्म नहीं है जो आपको व्यूज देगी। बट टू बी ऑनेस्ट, सोराम इज ए वेल मेड फिल्म। एज ट्राइबल मैन मनोज वाजपेयी का इस फिल्म में एकदम नया अवतार देखने को मिलता है। उनकी लुक और बॉडी लैंग्वेज परफेक्ट है, और पैरेलल टू दैट ए मैन ऑन द रन टू सेव हिज लाइफ एंड हिज किड, वो बहुत ही कन्विंसिंग है। इतना कन्विंसिंग कि इस फिल्म में मनोज वाजपेयी बहुत ही कम बोलते हैं, पर उनकी आईज, एक्सप्रेशन और बॉडी लैंग्वेज आपको फिल्म से ग्रिप करके रखती है। ही इज वन ऑफ द बेस्ट वी हैव इन द कंट्री। अपार्ट फ्रॉम दिस, जोराम इज ए थ्रिलर और इट एक्चुअली सक्सीड्स इन क्रिएटिंग थ्रिल एट मेनी पॉइंट्स, लाइक मुंबई में हैंड हेल्ड चेस सीक्वेंसेस और ट्रेन सीक्वेंस में कैमरा वर्क एंड सिनेमेटोग्राफी इज एट पीक। ये प्राइम एग्जांपल है कि कैसे सिनेमेटोग्राफी फिल्म के इमर्सिव फील को एलिवेट करती है। सो हैट्स ऑफ टू पीयूष पुट्टी फॉर क्रिएटिंग वन मोर फिल्म विद सच ए ग्रेट सिनेमेटोग्राफी। समीता तांबे एज फूलो कर्मा बहुत ही स्केरी लगी है भाई, और उनका कैरेक्टर एंड में जो शेड लेता है ना, वहाँ आपको फील होता है कि सम टाइम देर इज नो विलेन, एवरीवन इज ए हीरो इन देयर ओन वे इन देयर ओन स्टोरी। और यही इस फिल्म की स्ट्रेंथ है, जहाँ ये फिल्म ये दिखाती है कि डेवलपमेंट हैज ए कॉस्ट, जहाँ कहीं नदी भी था। वही ये फिल्म ये ज्ञान नहीं देती कि यार डेवलपमेंट मत करो, ये मत करो, वो मत करो, या फिर इंडिया में ट्राइबल्स का रिबेल बनने का रीजन क्या है। उनका लैंड छिन जाता है, उन पर अत्याचार होता है, इस रीजन से वो लोग रिबेल्स बन जाते हैं, माओवादी बम्बई तक आ गया है। वही फिल्म में ये भी दिखाया गया है कि कैसे रिबेल्स काफी बार अपनी लिमिट्स क्रॉस कर देते हैं। सो बिग कुडोज टू डायरेक्टर देवाशीष मखीजा। फॉर मी फिल्म्स ऐसे बननी चाहिए, किसी को जज नहीं किया, बस फैक्ट्स दिखा दिए, अब तुम खुद ही जज करो कि कौन सही है और कौन गलत। जिशान अयूब एज ए मुंबई पुलिस ऑफिसर रत्नाकर अच्छा काम किया है, नो डाउट। एंड तक आते आते उनका कैरेक्टर काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है, पर मुझे ऐसा लगा कि यार ये कैरेक्टर अगर थोड़ा और पावरफुल होता, थोड़ा और स्केरी होता, और बाद में इस कैरेक्टर का ट्रांजिशन होता, तो इस कैरेक्टर का बहुत ज़्यादा मज़ा भी आता, और फिल्म के फर्स्ट हाफ में थोड़ा और थ्रिल होता, थोड़ा और मज़ा आता। पर भैया मैं फिल्म के क्लाइमेक्स में एकदम सीट के एज पर बैठा था कि भैया अब क्या होगा, कौन बचेगा, कौन मरेगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो डेफिनेटली इट्स ए मस्ट वॉच फिल्म, और ये कंटेंट बेस्ड फिल्म है। अब वो अलग बात है कि इसमें SRK जैसे सुपरस्टार नहीं है, पर मनोज वाजपेयी स्टार ना सही पर एक्टिंग में SRK से कम नहीं है। नेगेटिव्स की बात करें तो देवाशीष मखीजा का मोस्ट ऑफ द वर्क अभी तक शॉर्ट फिल्म्स में रहा है, और इसका इम्पैक्ट इस फिल्म में दिखा है। फिल्म में कुछ सीन अगर थोड़े कट होते तो कमर्शियली फिल्म ऑडियंस को और फास्ट फील होती, और मे बी कमर्शियली ये फिल्म वर्ड ऑफ माउथ से बॉक्स ऑफिस पर और अच्छा करती, बट ओवरऑल ए ग्रेट फिल्म। और ये फिल्म ऑलरेडी इंडिया को इंटरनेशनल अवार्ड्स में प्राउड फील करा चुकी है। तो गो एंड वॉच दिस फिल्म। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।